तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और यार आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपने देख लिया होगा, एक इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, जो एक बार मैंने भी की थी और मैंने देखा है बहुत लोगों ने इस कारण से, बस इस कारण से, अगर उनका रिजल्ट आना था 600 नंबर उनके नंबर आए हैं 500, अगर उनका रिजल्ट आना था 550 नंबर उनका रिजल्ट आया 450, अगर उनके आने थे 650 नंबर उनका रिजल्ट आया 500 नंबर, 100-100 नंबर अपने गवा दिए हैं एक छोटी भूल से, अपना काफी मेहनत का पार्ट खराब कर दिया है। ठीक है, जो उन्होंने मेहनत लगाई थी सारी एक झटके में उन्होंने पूरी खो दी, सिलेक्शन ना नहीं ले पाए, रिपीट करना पड़ा। कुछ एग्जांपल भी दूंगा और ध्यान सुनना है, ठीक है। बात बहुत छोटी है, बात बहुत लोग नोटिस नहीं करते और कैसे हैंडल करने वो बहुत लोग जो है नहीं सीख पाते, तो मैं बताऊंगा कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला ही है तो प्रॉपर देखना, प्लस एक अनाउंसमेंट करूंगा मैं अभी आपकी कि आपका टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपरली देखना वीडियो, वीडियो देखे बिना कमेंट मत करना, जैसे ही वीडियो देख लोगे कमेंट भी कर देना अपना थॉट्स प्लस आपके टॉपिक्स प्लस लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो पहली चीज, जो आपका लास्ट डे होता है, लास्ट के 3 दिन के लिए सबसे बड़ी गलती तो क्या होती है, आपकी एग्जाम 12th को सुबह सुबह, ठीक है, मतलब दोपहर में 2 से 5 है, आपको सुबह 10-8 किसी को एक दिन पर निकलना पड़ेगा, जिनको भी सेंटर पे जाना है, ठीक है, अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। एक मेजर मिस्टेक जो मैंने देखी है वो है एक दिन पहले की मिस्टेक। देखो होता क्या है, ठीक है, अब 11th का दिन होकर पूरा पड़ा हुआ है, 11th आप पूरे पूरे कुछ भी रिवाइज, रैंडम स्टफ रिवाइज कर रहे हो, डायग्राम रिवाइज कर रहे हो, डेटा देखो क्या क्या रिवाइज करना है उस पर भी वीडियो आ जाएगा लास्ट डे पे, डेटा शीट हो गई, PYQs कुछ इंपॉर्टेंट वाले मार्क मैं आपको दे दूंगा वो भी रिवीजन करने के लिए, आपके साइंटिस्ट की लिस्ट हो गई, आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गए, सब कुछ आपका डेटा शीट जो है ये भी आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, सब कुछ आपके मेरे वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है जो आपको लास्ट मिनट में हेल्प करेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका पहला चीज ध्यान रखना है कि जो एक दिन पहले का जो आपका टाइम होता है, ठीक है, इसको बहुत 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 अच्छे से मोल्ड करना पड़ता है, नहीं तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन तीनों की वजह से आप इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हो कि मेरी बात मानना, मैं खुद कर चुका हूं, ठीक है। एक दिन पहले प्रॉपर मैंने डे प्लान नहीं किया था आपके 19 के अंदर जब मैं नीट थी फर्स्ट टाइम, और इतना खतरनाक मैंने ब्लंडर किए थे, मतलब मान लो जहां पे मेरे को लग रहा था मेरा स्कोर 600 आ जाएगा और रैंक अंदर 10,000 आ जाएगी, वो मेरी मार्क्स उससे 100 मार्क्स से नीचे रह गया, ठीक है, समझ लो इतना बड़ा ब्लंडर मैंने कर दिया था। वो क्या था, मैंने खुद उसको एनालाइज किया, जिस दिन मेरे को समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस दिन मैं सोच लेता कि भाई इसको एनालाइज करते हैं मैं क्या गलती की थी लास्ट के 3 दिन के अंदर। फर्स्ट मेजर मिस्टेक, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको 2 से 3 मिस्टेक्स, इसको मैं और एलेबरेट करूंगा आने वाली वीडियो में। फर्स्ट मेजर मिस्टेक मेरी ये थी, फिर मैंने लास्ट डे पे, सेकेंड लास्ट डे पे और थर्ड लास्ट डे मॉक टेस्ट लगाए थे जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन वो एकदम गलत चॉइस थी। लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट वीक मॉक टेस्ट लगाओ ही मत, सिर्फ कुछ PYQs प्रैक्टिस करो और NCERT को पढ़ते रहो। सेकेंड चीज जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, अपना लास्ट डे प्लान करना स्लीप वेक साइकिल। क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना और इसको इंप्लीमेंट करना, आपका पेपर सही जाएगा, ठीक है। 10 सितंबर को आपको पूरा दिन पढ़ना है, पढ़ोगे आप, पता है ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ना है बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है उस दिन पे। 10 सितंबर को आप जिस टाइम पर आपको सोते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे सोते हो, आप 1 बजे सोते हो, आप 11 बजे सोते हो, 10 बजे, जो भी आपका टाइम है, 10 से 2 के इसमें वेरी करेगा, 10 से पहले मत सोना और 2 के बाद मत सोना, ठीक है, उसका रीजन बता रहा हूं क्यों, ठीक है। और आपको किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 hours की नींद लेनी है, ठीक है, ये देखो तरीका काफी इंपॉर्टेंट है, 6 hours की नींद लेनी है, 5 to 6 hours की, ठीक है। जैसे कि आप 2 बजे सोए 7 बजे उठ जाओ, 1 बजे सोए 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट मान लो यार 7-8 बजे उठ जाओ 2 बजे सोने के बाद, लेकिन 7 घंटे से कम नींद लेनी है, 5 या 6, क्या मैंने कहा 5 या 6, चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, खुद अलार्म लगाओ, भाई को बोलो, कुछ भी करो सुबह उठना है उस दिन, ठीक है। ट्राई करना कि 7 से लेट ना हो उठने के लिए, ठीक है, जल्दी उठना, अर्ली वेकअप करना पहला आपका यहाँ पे स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप रहेगा, आप पूरे दिन को 3 पार्ट में बांटोगे जिससे आपका स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होगा, पूरे दिन को आप 3 पार्ट के अंदर बांटोगे, 1 पार्ट में आप फिजिक्स फॉर्मूलास करोगे, 1 पार्ट में केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिएक्शन करोगे, 1 पार्ट में लास्ट जो पार्ट होगा, ध्यान रखना कभी भी लास्ट पार्ट जो होगा वो बायोलॉजी के रिविजन करना, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वहां पे, आप डायग्राम, एग्जाम्पल्स,
डेटा, ईयर, साइंटिस्ट, ये चीजें रिवाइज कर पाओ, ठीक है। ये हो गया, उस दिन दोपहर को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे आफ्टरनून में एक भी मिनट आप नहीं सोओगे, चाहे आपको कितनी ही आदत हो। ये फैक्ट समझ में आ गया, क्यों कह रहा हूं समझो ये चीज, ठीक है। जिस दिन आप 10 तारीख को सुबह उठे हो, ठीक है, आप रात को 8-9 तक जितना पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद बुक बंद, घूमने जाओ, टेरेस पे बाहर थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, घर वाले से बात करो, पंप अप हो, पंप अप होना है लास्ट दिन पे। ऐसा नहीं कि रूम में बैठे हुए आप क्या करें, पढ़ रहे 10 बजे, 11 बजे के बाद, नहीं, ये प्लीज अवॉइड करना। लास्ट के 3 घंटे जो होंगे सोने से पहले, 3 घंटे खुद को देने हैं। अगर आप 11 बजे सोते हो तो 8 बजे से 11 बजे तक खुद को देना है, थोड़ा थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज करना, बाहर जाना, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी फटीग में आए, ठीक है। आप मेंटली थक चुके हो, पूरा दिन पढ़ चुके हो, जो भी पढ़ा है आपने, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, और वो सब चीज करना, ठीक है। रात को लाइट खाना, मैंने दाल खिचड़ी शायद खाई थी, आप भी वही ट्राई करना। स्पाइसी फूड खाओगे, पढ़ा है आपने, एंग्जाइटी हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, और आपका सुबह तक नींद ना आके हो सकता है। तो एक दिन पहले ही सुबह भी लाइट खाना, मैंने दूध और अपना जो रोटी होती है बस वही खाया था, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट जो है स्टेबल रहे। और रात को ही मैंने यही खाया था, आपका चावल थोड़े से, एकदम थोड़े से खिचड़ी जैसा चावल जो खाए थे बस, ठीक है। और थोड़ा फ्रूट्स खाए थे बहुत ज़्यादा, एप्पल खाए थे, बनाना खाया था मैंने, ठीक है। उस समय पे एक दो और फ्रूट थे, पपाया शायद, कुछ वाटरमेलन था मेरे ख्याल से, वो सब मैंने खाया था, ठीक है। फ्रूट्स पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था लास्ट मोमेंट पे, थोड़ा सा पंप अप हो और बॉडी लाइट फील करे। सुबह उठते ही मैंने थोड़ा सा जो मैं टी पिया था, अब उसे होगा क्या, समझो ये चीज़। अगर आप रात को थोड़ा थक जाते हो, क्योंकि अपने पूरा दिन पड़ा, सुबह आप उठे हो और दोपहर में सोए नहीं हो, आपको रात को नींद थोड़े से इसमें आ जाएगी, थोड़ा स्ट्रेस होगा लेकिन नींद जल्दी आएगी, तो उस कारण से अगले दिन सुबह जल्दी नहीं उठना है आपको, ठीक है। अगर आप रात को 12 बजे सोए हो, सुबह 8 बजे उठो, अगर आपका सेंटर दूर है देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब आपको एक दिन पहले 8 घंटे की नींद लेनी, उसके एक दिन पहले बिल्कुल नहीं सोना है, मतलब आप एक दिन पहले स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना, ताकि आपको जल्दी नींद आ जाए और आपको पूरी नींद मिले, ठीक है। तो 8-9 आवर्स ये स्टैम्प रूल देना, 10 घंटे मत लेना। कभी कभी आपने देखा होगा 10-11 घंटे आप नींद लेते हो, उस कारण से आप ओवर इसमें आ जाते हो, ठीक है, ओवर लेजीनेस में, वो भी नहीं करना है। 8-9 घंटे की नींद लेना जो मैंने किया था, सुबह उठना, छोटा सा डाइट लेना, जो भी आपका डाइट होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा ट्राई करना भूख मिटने वाला डाइट लो, मतलब फॉर एग्जांपल चाय पी ली, कॉफी पी ली, जो भी पी लिया, प्लस उसके साथ कुछ खाओ भी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग टाइम बैठना है, कुछ लेके भी जाना एग्जाम हॉल में, थोड़ा सा शुगरी कंटेंट, मतलब कार्बोहाइड्रेट मिले तुरंत से, आपके शुगर मिले, ताकि आपका ब्रेन अगर चक्कर आते भी है तो वो तुरंत से स्टिमुलेट कर जाए। तो ये बिस्किट्स हो गए कुछ ऐसा लेके जाना, मैं रिकमेंड करूंगा हाईली, ठीक है। तो एग्जाम जब जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओगे, उसके पहले खा लेना दो तीन बिस्किट जेब में रखना, ताकि कुछ अंदर जाओ तो खाने लगे, जगह है तो खा सकते हो, ठीक है, मतलब लाइन में जब खड़े रहते हो बाहर। तो ये चीज है, समझ में आई, ये मेन फंडा है कि आपको ये पूरा दिन ऐसे प्लान करना है। ये अगर आप प्लान करते हो पहले से, बच्चे करते हैं क्या, लास्ट दिन पे बौखला जाते हैं, भाई ये करे वो करे, सुबह एक दिन पहले सुबह लेट उठते हैं, 8-9 बजे उठते हैं, क्योंकि ये होता है एक दिन रात को पहले बहुत पड़े होते हैं, 8-9 बजे उठते हैं, फिर अगले दिन रात को नींद नहीं आती, मतलब 12 तारीख को रात को नींद नहीं आती नीट के एक दिन पहले, और फिर सुबह नीट नहीं आती है, जब सुबह उठते हो तो फटीक होता है। बहुत बड़ी साइकिल है, साइकिल कंटिन्यू होती है, इसको ठीक करने के लिए हमें 3 दिन पहले, मतलब आपको 10 तारीख से ही अपना शेड्यूल जो है ठीक करना पड़ेगा, समझ में आ गई। तो ये चीज मेरे 2 इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने, ये काफी लोग स्किप करते कि मैं आपको कहा है तो कर लेना प्लीज यार, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यार, मैंने देखा है एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के मॉक टेस्ट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और हमने प्लान किया था कि एनसीईआरटी बेस्ड बायो के मॉक टेस्ट प्लस रेगुलर डीपीपीस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अब मैं आपको प्रोवाइड करवा भी रहा हूं, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट आपका आ चुका है वेबसाइट के ऊपर, हर संडे टू संडे आपका मॉक टेस्ट आएगा। पहला मॉक टेस्ट आपका वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, जैसे ही आप जाओगे वेबसाइट के अंदर वहां पे आएगा विश्वास बैच, वहां पे जाके आप पहले अगर मैं एनरोल नहीं कर रखा एनरोल कर लीजिए, अगर बोलता है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो न्यू आईडी से रजिस्टर कीजिए, आपका जो भी डिटेल्स है वो भर के आप उसमें एनरोल हो सकते हो। बाद में आपको जैसे ही एनरोल आएगा ऊपर आएगा लिख के एनरोलमेंट सक्सेसफुल, आप जाइए लॉगिन में वापस से, वापस जो लिखा हुआ है या फिर ऑलरेडी अ मेंबर पे जाके आपने लॉगिन आईडी डाली है, पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जैसे आप वहां पर जाके क्रिएट कर दोगे तो वहां पे आप लॉगिन हो जाओगे, आपको मिलेगा कंटेंट, उसमें जाइए ग्रैंड टेस्ट के अंदर, वहां पे सब कुछ आएगा, मैसेज आएंगे, काफी हजारों बच्चे एनरोल हो चुके हैं, मैसेज आपके नोटिस सब कुछ आपको मिलेगा एज इन जैसे कि आपका बैच चल रहा है, और नीचे आपका ग्रैंड टेस्ट भी लिखा हुआ होगा। जैसे ही आप ग्रैंड टेस्ट पे क्लिक करोगे आपको वहां पे दिख जाएगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न टेस्ट नंबर 1, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पूरा मॉक टेस्ट खुल जाएगा।
अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट होगा, स्क्रोल करोगे नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी प्लस OMR, ठीक है। तो आप इसका पूरा जेरोक्स निकाल के एज अ मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको देखना है क्वेश्चन, और ये सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से होंगे। तो आप यार पूरा जोश लगा दो, सबके लिए फ्री है, ओपन है सारा कंटेंट, समझ रहे हो। वहीं पे आपकी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की DPP आएंगी 21 वालों के लिए, 22 वालों के लिए, 23 वालों के लिए, 10th के बोर्ड वालों के लिए, 12th के बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। और जल्दी ही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की भी DPP आएंगी IIT JEE वालों के लिए, ठीक है। मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ ऐसे लोग बनाएंगे जो IIT के अंदर टॉप रैंक लाके बैठ चुके हैं, और उनके सवाल इतने आसान होंगे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट होंगे चुन चुन के, ठीक है। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई कर रहे हैं हम लोग सारे DPPs चैप्टर वाइज, आपका क्या कहते हैं उसे, टॉपिक वाइज फुल सिलेबस, ग्रैंड टेस्ट, एक्सक्लूसिव मटेरियल, मोटिवेशनल कोर्स, मोटिवेशनल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, आपका सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करें आपके वेबसाइट के ऊपर। तो ज्वाइन कर लेना, विश्वास बैच में आप एनरोल करो अगर 21 वाले हो, स्टार बैच में करना 22 वाले हो, इलाइट में करना अगर 23 वाले हो, ठीक है। बाकी अपनी क्लासेस जो है चलती रहती है अनअकैडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाते हैं स्पेशली क्लास के अंदर। जिनको ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मेरे प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर लेना, ताकि आप पूरी PYQ सीरीज पे एक्स्ट्रा जो भी आपकी सीरीज है उनमें आप मुझे फॉलो कर पाओ, अगर 22 के, 23 के या 21 के भी एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। चलो बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा हो गया यार। चलो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, क्या कहते हैं, और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लो। चलो बाय बाय।